नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। आप देखना शुरू कर चुके हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, हम आज पहुंचे हैं जम्मू के कटरा यानी माँ वैष्णो देवी धाम, जहां पर हमने पहला वीडियो जो माँ वैष्णो देवी का है वो हमने पहले वीडियो में दिखा दिया। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसमें जाकर आप देख सकते हो। पर एक बात आपको बताएं, अभी हम कर रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई, और हम आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाए तो आपके वो दर्शन मान्य नहीं होंगे। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको भैरव बाबा के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो इन सीढ़ियों के सहारे से हम जाएंगे। पहले वाला वो रोड था, रैंप बनाया हुआ, तो उस रैंप के जरिए हम गए थे, अभी सीढ़ियों के जरिए हम जाएंगे। बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है इन पहाड़ों के बीच में से, सीढ़ियाँ इन घाटियों के बीच में से सीढ़ियाँ गुजर रही है, और बहुत ही देखने लायक नज़ारा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये देखिए, और ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। तो दर्शकों, हम आपको भैरव बाबा के दर्शन कराने लेकर जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। चलिए आपको दर्शन कराएंगे, और कितना ऊंचा मंदिर है, कितनी ऊंचाई है, कहां पर बना है। सबसे ऊपर जो मंदिर है वो भैरव बाबा का बताया जा रहा है, यहां पर लोग बताते हैं। अब आपको सीढ़ियां दिखा देता हूं, ये देखिए कितनी ऊंचाई पर बनी सीढ़ियां। कुछ लोग चलते चलते थक गए हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। अब हम जा रहे हैं ऊपर, भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे। हमारे भी मानो पांव दर्द करने लगे। इस साइड देखिए दर्शकों, इस साइड में घुमाता हूँ, इस साइड देखिए पूरा का पूरा जंगल, ये देखिए पूरा का पूरा जंगल है। और इन सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर आए थे, और ये देखिए अब हम जा रहे हैं सीढ़ियों के जरिए ऊपर, आपको ले चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करवाने। चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए दर्शकों, ये बोलते हैं कि यहाँ से जानवर निकालते हैं, जुए बोलते हैं, वो निकाल रहे हैं इसके। ये देखिए, मैं एकदम नज़दीक खड़ा हूँ बंदर के। ये देखिए, ये देखिए, ये बैठे क्या कर रहे हो? ओए भाई बंदर, क्या कर रहे हो? ये देखो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय हो बालाजी महाराज, जय हो, जय हो, जय हो बालाजी महाराज। हमारे साथी भाई कैलाश कुमार भी जा रही आगे। ये डोली देखिए दर्शकों, इनके जरिए भी आप भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हो। ये देखिए, दो उतर रही है, एक चढ़ रही है, भैरव बाबा के जाने के लिए ये बनाई हुई है। नीचे से आप चढ़ के जा सकते हो, ये देखिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई, कहाँ के हो? हम राजस्थान, जयपुर। अच्छा, जयपुर राजस्थान। जयपुर से आए हो? अच्छा, वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए? अच्छा, अब किसके दर्शन करोगे? भैरव मंदिर के। अच्छा, भैरव के। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। अच्छा, कितने चल लिए? 1 किलोमीटर चल लिए होगे? 150 मीटर। 150 मीटर चले हो। सीढ़ियों से कैसे, सही है या गलत है? सीढ़ियों से आसान पड़ता है। अच्छा, दूरी कम हो जाती, दूरी कम हो जाती है। तो पांव तो दर्द करते हैं ना? पैर दर्द करते हैं, उधर से घूम के भी तो आते हैं ना। हम तो इतनी दूर में थक गए, कैसे जाएंगे पता नहीं है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए दर्शको, सीढ़ियों के जरिए हम जाएंगे ऊपर। ओह, थक चुके हम। इस साइड का व्यू आपको दिखाऊं माँ वैष्णो देवी धाम का, ये देखिए वो नीचे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, वहां पर माँ वैष्णो देवी धाम है।
दर्शकों हमें इससे एक गैलरी बनाई हुई है पतली सी, उस गैलरी से जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करवाने। और आपको ये बताएं, इसे एक चीज दिखाएं, ये देखिए पहाड़ ऊपर से टूट कर आते हैं ये पत्थर इस गैलरी में। ये देखिए बंदर, देखिए इसलिए अपने पास। क्या हुआ, थक गए? अच्छा बहुत दूर है ना? दूरी ज्यादा नहीं है, पर जो सीढ़ी से चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करे। अच्छा भाई कैलाश, आपका क्या रिएक्शन है? मैं तो चढ़ते चढ़ते प्यासा हो गया और परेशान भी हो गया, बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी हमारे पास है नहीं, और यहाँ पर पानी की सुविधा देखते हैं कहाँ पर है। दर्शकों जैसे तैसे करके हम मंदिर के नजदीक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा मंदिर और रहा है, माने 100 मीटर और रहा है, 100 मीटर मंदिर आया है, 100 मीटर की दूरी और हमें तय करनी है, उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन हम आपको करवाएंगे और हम पहुंच जाएंगे। ठंड थोड़ी ज़्यादा होने लग गई इसलिए हमने कैप लगा ली है ठंड से भी, और ये पूरे दिन की जैकेट तो हमने उतारी नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पर। इस फिर भी सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, अब देखेंगे कैसे आगे क्या कैसा नज़ारा है, किस तरह दर्शन होंगे, ये आगे इस वीडियो में हमारे साथ देख रहे हैं। चलिए चलते हैं, चलिए अब भैरव बाबा के दर्शन करवाने आपको ले चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, नज़ारा जहाँ से इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा वो व्यू मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इन पहाड़ों का देखिए, ये देखिए कितना शानदार व्यू यहाँ का नज़र आ रहा है इससे, पहाड़ों के नीचे से देखेंगे। अब पहाड़ों के ऊपर देखिए कितनी शानदार व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, और यहाँ से मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, नीचे दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू नज़र आ रहा है वो नीचे यहाँ से देखेंगे। चलो देखिए कितनी गहरी खाई है, पहाड़ देख रहे हो आप, ये देखिए चलो नीचे नहीं आ रहा है। ये देखिए लोग इस सुंदर से व्यू का आनंद ले रहे हैं, यहाँ से फोटो क्लिक कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस व्यू का। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से वो माँ वैष्णो देवी मंदिर है, वो देखिए कितनी गहरी खाई है, इस खाई का और इस मंदिर से जो नज़ारा देखा जा रहा है वो बहुत ही देखने लायक है। चलिए अभी हम चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करवाने, अंदर आपको ले चलते हैं। बस एक सवाल,
तो दर्शकों भैरव बाबा के दर्शन मुश्किल है और हमने दर्शन कर लिए हैं, पर मोबाइल गिम्बल कैमरा वगैरह अंदर कुछ नहीं ले जाने देते, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया। आपको इस ब्लॉग में दर्शन नहीं करा पाएंगे, पर यहाँ का जो माहौल है और यहाँ का जो दृश्य है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मिलते हैं दर्शकों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भैरव बाबा। धन्यवाद।